हेलो बच्चा लोग, स्वागत है आपका आपके चैनल विक्टोरियस एकेडमी में। और आप इस समय क्लास 9 के मैटर इन अवर सराउंडिंग चैप्टर की स्टडी कर रहे हैं। छोटा सा चैप्टर था, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लिया, सॉलिड लिक्विड गैस क्या होता है ये सब पढ़ लिया, कैसे सॉलिड से लिक्विड चेंज होता है, लिक्विड से गैस चेंज होता है, या फिर लिक्विड से सॉलिड चेंज होता है, गैस से लिक्विड चेंज होता है, या फिर सॉलिड से गैस चेंज होता है और गैस से सॉलिड चेंज होता है। इतने सारे चेंजेस होते हैं, लेकिन वो किस तरह से होते हैं ये बात भी आपने पढ़ी, बाय द चेंज इन टेम्परेचर एंड बाय द चेंज इन प्रेशर, ये बातें कंफर्म हो गई थी। लेकिन अब वो टेम्परेचर कहलाता क्या है जिसमें कोई एक स्टेट दूसरे स्टेट में चेंज होता है। स्टेट का मतलब मैटर, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से गैस या गैस से लिक्विड, सॉलिड से गैस या फिर गैस से सॉलिड, इतने सारे चेंजेस आपको देखने हैं। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे बच्चों कि आखिर वो टेम्परेचर कहलाते क्या है, उनको हम लोग क्या कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने लिख रखा है मेल्टिंग पॉइंट, बहुत साधारण सी बात है। मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। पिघलना आप लोगों ने, आप फ्रिज में आप आइस निकालिए, आइस को नॉर्मल टेम्परेचर पर रख दीजिए और नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल प्रेशर है, इसी टेम्परेचर और प्रेशर पर आपका वो सॉलिड धीरे धीरे अपने आप पिघल जाएगा बच्चों। तो इसको क्या कहेंगे, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है इसके बारे में समझाएंगे। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। बस सिंपल सी बात कि सॉलिड जब लिक्विड में बदलता है अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर तो उसको क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर है मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। अगर वाटर के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो 0 डिग्री या फिर उससे ज्यादा। देखो बच्चों, कुछ बच्चों को ये समझ में, हमेशा ये बचपन से पढ़ाया गया है कि हमारा पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमना शुरू होता है, कंप्लीट नहीं जम जाता। लेकिन 0 डिग्री से अगर और कम गए, माइनस में गए, तो आपका पानी पूरे तरीके से जम जाएगा। पानी क्या, कोई भी चीज 0 डिग्री से कम टेम्परेचर पर कंप्लीट जम जाएगा। उस स्थिति में वो लिक्विड स्टेट में जरा सा भी नहीं बचेगा। लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस के स्टेट में बच्चों कोई भी जो मैटर होता है, जो लिक्विड होता है, वो जमना शुरू होता है। शुरू होने का मतलब ये थोड़ी ना है कि कंप्लीट हो गया, यानी कि उस स्थिति में भी अभी लिक्विड लिक्विड स्टेट में तो है ना। तो यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होता है, या फिर मोर देन 0 आप कर दीजिए, आप फ्रिज से बाहर निकाल कर रख दीजिए, आपका पूरा का पूरा जो आइस है वो मेल्ट होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया, शाबाश। नेक्स्ट आते हैं बॉइलिंग पॉइंट पर। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात को सीखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर, यहां पर क्या आपने चेंज किया बच्चों, सॉलिड से लिक्विड चेंज किया, ठीक। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें कोई लिक्विड अपने वेपर्स में बदले। हम लोग चूंकि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है, इसलिए वाटर का एग्जांपल लेते हैं, हर जगह आसानी से मिलने वाला, सस्ता, चाहे आप जितने एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर कर लीजिए, इसलिए वाटर को लिया जाता है और उसी का एग्जांपल लेकर हम लोग याद करते हैं। तो वाटर को आपने अपने गैस के ऊपर रखा, बाउल में रखकर, भगोने में आपने पानी भरा और उसको गैस के ऊपर रख दिया, वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू होगा। उबलना शुरू होने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि कंप्लीट ही उसका क्या हो जाएगा, वेपर बन जाएगा। 100 डिग्री के प्लस अगर आप टेम्परेचर ले गए तो धीरे धीरे करके पूरा का पूरा, या 100 पर ही लगातार काफी लंबे समय तक अगर वो लिक्विड रहा तो 100% है कि उस वो कंप्लीट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया। तो वो लिक्विड, वो टेम्परेचर जिसमें कोई लिक्विड अपने वेपर्स में बदलना शुरू होता है उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यहां पर लिख रखा है 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट एग्जैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होना शुरू हो जाता है और बॉयल करके वो लिक्विड धीरे धीरे अपने वेपर्स में कन्वर्ट होती जाती है। क्लियर हो गया। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉयल्स टू फॉर्म वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर हो गया मुन्ना। नेक्स्ट पे आते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। यहां पर आपने क्या चेंज देखा, यहां पर आपने चेंज देखा लिक्विड से गैस या फिर लिक्विड से वेपर्स। फिर बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसमें ये लिक्विड सॉलिड में बदल जाए। फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, हिंदी में समझो, फ्रीज का मतलब होता है जमना, जम जाए कोई चीज, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए कोई चीज। तो अगर
टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, यहाँ पर टेम्परेचर देखो मोर देन जीरो कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो और कोई चीज लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रही है, तो यार टेम्परेचर कम कर दो तो आपका वही लिक्विड सॉलिड में फिर नहीं बदलेगा। यानी कि अगर आप उस पानी को उठाकर फ्रीज में रखोगे जहां टेम्परेचर कम होता है वहां रखोगे, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो पानी है वो फिर से आइस में नहीं बदल जाएगा। तो वो टेम्परेचर जिसपे लिक्विड अपने सॉलिड में दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है वो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम, 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका पानी जमना शुरू हो जाता है, कंप्लीट नहीं जमता लेकिन शुरू हो जाता है, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर हम लोग क्या कहेंगे, तो हमारा आंसर है 0 डिग्री सेल्सियस। इससे कम ले जाओगे तब तो भाई कंप्लीट जम जाएगा। तो यहां पर आपका क्या पॉइंट रहेगा कि आपने लिक्विड से क्या बनाया, हमने बताया लिक्विड से आपने क्या बनाया, सॉलिड बनाया। फिर आपने एक टॉपिक देखा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या बताया गया था कि गैस जो कि वेपर्स फॉर्म में है अगर उसको कूलिंग दे दी जाए, टेम्परेचर कम कर दिया जाए, तो वो गैस दोबारा से अपने लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई वेपर्स अपने लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए उसे क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर है उसे कंडेंसेशन पॉइंट कहा जाता है और इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका पानी बॉयल हो रहा था, आपने गैस बंद कर दिया, ढक्कन लगा दिया, उसी समय जो भी वेपर्स आपके प्रेजेंट होंगे बच्चा वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगेंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा वैसे वैसे वो वेपर और ज्यादा लिक्विड में कन्वर्ट होंगे। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस या उससे कम पे, 100 डिग्री सेल्सियस या उससे कम पर आपका लिक्विड, आपका वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडेंसेशन पॉइंट। डेफिनेशन पढ़िए, आफ्टर कूलिंग द वेपर्स कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, समझ चुके हैं इसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। या फिर वो टेम्परेचर जिसपे वेपर्स लिक्विड में कन्वर्ट होता है उस पॉइंट को हम लोग कंडेंसेशन पॉइंट कहते हैं। और 100 डिग्री सेल्सियस या उससे कम अगर टेम्परेचर हुआ तो वो लिक्विड भाप, जो भाप बन रहा था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात, अब तक तो काफी कुछ समझ में आ गया होगा। आपने दूध को, अक्सर मम्मी कहती है बच्चों दूध को बंद कर दो, गैस बंद कर दो, दूध के नीचे जो आपकी गैस जल रही है वो बंद कर दीजिए, दूध उबालने के लिए मम्मी लोग चढ़ा देती है, उसके बाद उसको गैस बंद कर दिया जाता है, फिर मम्मी लोग कहती है कि चलिए भाई उसमें ढक्कन लगा दो, लेकिन पूरा मत बंद करना। पूरा इसलिए नहीं बंद करना क्योंकि जो उसकी भाप है वो धीरे धीरे बाहर निकल जाए। अगर वो पूरी प्लेट में रह गई बच्चों तो नीचे उसके पूरी ड्रॉपलेट्स, और बनती भी है थोड़ी भाप का तो ड्रॉपलेट्स बनी जाती है, उठाकर देखो आप आधे घंटे बाद आपकी वो ड्रॉपलेट्स आप उठाओगे बाद में पहले उस दूध में छू जाएंगी जो आपके भगोने में रखा होगा। समझ में आ रही है बात, तो इस प्रोसेस को हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। ये पूरा क्लियर हुआ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ पर क्या चेंज हुआ, यहाँ पर आपका चेंज हुआ जो गैस है मुन्ना वो चेंज हो रहा है लिक्विड में। इतनी सारी बातें आपने सीख ली, चलिए एक बात और यहीं पर सीखेंगे, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वेरी गुड। इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि व्हाट इज सब्लिमेशन। अब हमको पढ़ना है अबाउट सब्लिमेशन। आप लोगों ने सॉलिड से लिक्विड चेंज कर लिया, उसको क्या बोला बताओ, उसको बोला मेल्टिंग पॉइंट। फिर आपने लिक्विड से गैस बदल लिया, उसको क्या बदला, बॉइलिंग पॉइंट। फिर आपने लिक्विड से सॉलिड बदल लिया, मेरे साथ बोला करो, उसको क्या बोला, फ्रीजिंग पॉइंट। फिर गैस से लिक्विड बदल लिया, उसको क्या बोला, कंडेंसेशन पॉइंट। अभी एक बचा है मुन्ना जिसमें आपको सॉलिड से गैस या फिर गैस से सॉलिड बदलना है डायरेक्टली, लिक्विड एक बीच में नहीं आना, डायरेक्टली चेंज होना है। अभी आपने आइस का कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा कि आइस सॉलिड होता है, वो पहले मेल्ट होता है पानी में, फिर पानी को बॉयल करो तो वो, मतलब आपका वाटर के केस में सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, एक स्टेम, एक क्रमानुसार चीजों में चेंजेस आता है। लेकिन अगर आप बात करो कि इस वाले प्रोसेस में, तो बेटा इसमें लिक्विड स्टेट नहीं आती, इसमें डायरेक्ट चेंज होता है। तो समझ में आ गया होगा कि सब्लिमेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर। और जाहिर सी बात है कि अगर सॉलिड को आपको वेपर में बदलना है या लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए हीट देनी पड़ती है, तो सॉलिड को बदलने के लिए भी तो हीट देनी पड़ेगी। तो द चेंजेस ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर ऑन हीटिंग, यानी कि गर्म करने पर, और द वेपर डायरेक्टली इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, ये भी तुम लोगों ने पढ़ा था, याद करो।
तो वेपर डायरेक्टली चेंजेस इनटू सॉलिड और कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट. लिक्विड स्टेट बीच में नहीं आती इज कॉल्ड सब्लिमेशन. क्लियर हो गया? एग्जाम्पल आप फटाफट तैयार कीजिए. नेफ्थलीन बॉल समझा चुके हैं, वो वाली बॉल्स होती हैं जिसको वॉशरूम में यूज किया जाता है, इसकी महक अच्छी होती है, इंसेक्टिसाइड के जैसे काम होता है, जहां जहां पर कीड़े मकोड़े मारने में, यानी कि हम लोगों ने अगर घरों में हम कपड़े स्टोर करके रखते हैं जैसे गद्दा हो गया, रजाई हो गया, इन सबको रखना होता है, तो आप ये नेफ्थलीन की बॉल्स डाल देते हो ताकि इसमें कीड़े ना लगे, खराब ना हो कपड़े. कैंपर कपूर से सभी लोग जानते होंगे कपूर कैसे जलता है. डायरेक्टली आप उसको जलाते हो, क्या लिक्विड स्टेट आती है, क्या पूरा पूरा का पूरा कपूर वॉश आउट हो जाता है. या आप एटमॉस्फेयर में आज ट्राई करो, छोटा सा कपूर आपने घर की छत पे रख दो, छत पे क्या, आप कहीं ऐसी जगह रखो जो आप जिसकी आप निगरानी कर सको, देखो फिर ऑब्जर्व करने के बाद क्या होता है. और तीसरा होता है अमोनियम क्लोराइड, जिसके वेपर डायरेक्टली सॉलिड में आप कन्वर्ट कर सकते हो. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन. क्लियर हुआ? एक छोटी सी बात बताने जा रहे हूं ना कि व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको समझो. व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर ना, एक प्रोसेस होती है केमिस्ट्री में, एक टर्म होता है एनटीपी, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर. कोई बहुत विशेष टर्म नहीं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर. या फिर एक टर्म होता है एसटीपी, जिसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, है ना मुन्ना. यानी कि हमारे जितने भी रिएक्शंस होते हैं या जो हम लोग नॉर्मली ज्यादातर जो रिएक्शंस देखते हैं वो एसटीपी या फिर एनटीपी पर ही देखते हैं. समझ में आया? हमारी बॉडी के जितने भी प्रोसेसिंग हो रही होती है, जितने भी एंजाइमेटिक एक्शंस हो रहे होते हैं या कोई भी सब जो प्रोसेसिंग चल रही है, ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर या फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर चल रहा होता है. तो जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है. हम अर्थ के सरफेस पर रह रहे हैं, उस समय उस एटमॉस्फेरिक गैसेस का जो प्रेशर हम लोगों के ऊपर लग रहा है उसे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. इतनी बात समझ में आई? ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, बस समझ लो. तो इसकी वैल्यू अगर हम लोग बात करें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, ना इधर लिखते हैं ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के वैल्यू की बात करें तो इसको हम लोग 1 ATM के बराबर मानते हैं. ATM का वो ATM नहीं ना से पैसे निकलते हैं, ATM का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इसी को 1 bar के बराबर मानते हैं. हमारे यहाँ चिड़िया ने घोंसले में अंडे दिए, अच्छी आवाज सुनाई दे रही होगी बीच में आपको, उसको माइंड मत करो, पढ़ो. 1 ATM बराबर 1 bar या फिर 1 × 10^5 पास्कल. एटमॉस्फेरिक प्रेशर या तो 1 ATM के बराबर होता है, या उसको 1 bar के बराबर माना जाता है, या उसको 1 × 10^5 पास्कल के बराबर. ये यूनिट्स होती है यार, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की यूनिट्स होती हैं, और ये एक स्टैंडर्ड प्रेशर की वैल्यू है. आप सुनिए, आपके अर्थ के सरफेस से नीचे जाने पर, नीचे कब जाते हो यार, समुद्र में आप लगाते हो कि नहीं डाइव, कभी कभी बड़ा शौक है घूमने का, या फ्यूचर में घूमने जाओगे, अभी तो 9th में हो, छोटे बच्चे हो, फ्यूचर में घूमने जाओगे, डाइव करोगे, तो वहां पर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर समुद्र के नीचे जाने पर बढ़ता है, तो प्रॉब्लम्स होती हैं फिर बहुत सारी. वो सब बातें आप लोगों को कभी और समझा दी जाएगी, क्लास 9th के लेवल पर इतनी बातें सीखिए. फिर अगर आप लोग इस सरफेस से ऊपर चढ़ते हो, माउंटेन्स में चढ़ रहे हो, तो वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम हो जाती है. छोटी सी बात है, समझ में आ गया होगा मुन्ना, कि अर्थ सरफेस पर एटमॉस्फेरिक गैसेस या एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर लगता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. वो नॉर्मल होता है, वो सारी रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल होता है. अगर एटमॉस्फेरिक सरफेस को, सॉरी, अर्थ सरफेस से नीचे गए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ेगा, अर्थ सरफेस से ऊपर गए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा. बस इतनी सी बात आपको सीखनी थी. उसकी वैल्यू किस क्या होती है, तो 1 ATM या फिर 1 bar या फिर 1 × 10^5 पास्कल के बराबर होती है. इसलिए ये बात समझाई मुन्ना, ताकि आपको ये समझ में आए जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट और जो कंडेंसेशन पॉइंट की बातें हमने की हैं, उन सभी में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर टर्म का यूज किया गया है. यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब नॉर्मल ही हम लोग अर्थ सरफेस पर रहकर ये सब काम कर रहे हैं. अब ये नहीं है कि अपनी रिएक्शन करवाने के लिए पहले समुद्र के नीचे जा रहे हैं या फिर माउंटेन के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता. नॉर्मल हम लोग जहां हैं वहीं पर इन रिएक्शंस को करवा रहे हैं, उस स्थिति में जो
ऑब्जर्वेशन किए गए उनके बारे में नॉलेज दी जा रही है। समझ में आया इसका मतलब ये होता है, क्लियर हो गया। इसके बाद आपका छोटा छोटा सा दो टॉपिक है, मैंने इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, वेरी नाइस। इसके बाद आपका एक टॉपिक बचता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बहुत छोटे से दो टॉपिक बचे, मतलब टॉपिक तो लगभग खत्म ही है, एक टॉपिक और बचेगा वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा, जिसको हम लोग कहेंगे इवेपोरेशन, ठीक, वो बाद में मिलेगा। लेकिन उसके पहले हम लोग पढ़ लेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक। तो हेडिंग है आपकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और दूसरी हेडिंग है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ये आपकी दो हेडिंग है। लेटेंट हीट समझते हैं बेटा ये क्या चीज है, पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं फिर इसके काम क्या है ये सब बातें समझते हैं। देखिए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन समझते हैं, सुने जरा। द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, मेल्ट करना ना, तो यानी कि सॉलिड से लिक्विड की बात चलेगी यहां पर। तो द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg, ये स्पेसिफिक है मुन्ना, इसको जरूर याद रखना, 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। एग्जैक्ट सेम डेफिनेशन यहां, वेपोराइजेशन में वेपर्स किस चीज के बनते हैं, तो आपका आंसर होगा भाई लिक्विड के वेपर बनते हैं मैम, यस। तो इसके लिए डेफिनेशन क्या होगी, द हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ लिक्विड 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू इट्स वेपर फॉर्म इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आसानी से आपने दो बातों को सीखा मेरे साथ, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मुन्ना 1 kg सॉलिड लो और उसको लिक्विड में बदलने की हम कोशिश कर रहे हैं, जितनी हीट रिक्वायर्ड है उसी को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सेम यही बात लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के लिए, कि 1 kg के आसपास लिक्विड लिया और उस लिक्विड को वेपर में बदलने के लिए जितनी हीट हमको चाहिए वो क्या कहलाई, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। डेफिनेशन समझ में आई, द कन्वर्जन ऑफ 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म द हीट रिक्वायर्ड इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड द हीट रिक्वायर्ड बाय विच द 1 kg ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड इनटू इट्स वेपर फॉर्म इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्लियर हो गया, डेफिनेशन तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके यूज क्या है मैम, सुनिए जरा छोटी सी बात सुनिए, अगर भाप स्टीम से अगर जले और अगर पानी से जले इंसान, तो किसमें ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, किसमें ज्यादा जलन होगी, किसमें ज्यादा इंसान जल जाएगा, तो आपको आंसर देना है स्टीम से। याद रखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि स्टीम ज्यादा खतरनाक होता है, मोर डेंजरस देन स्टीम मोर डेंजरस देन बॉइलिंग वाटर। ये समझो क्यों बेटा, आप सुनो, जो स्टीम होता है ना वो स्टीम का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ज्यादा होता है, इसीलिए। अब यार लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब स्टीम को बनाने के लिए हीट रिक्वायर्ड ज्यादा हुई होगी, मैं क्या बोल रही हूं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन स्टीम का ज्यादा है, ज्यादा का मतलब उसमें जो हीट रिक्वायर्ड हुई होगी वो भी ज्यादा है। अब जो चीज ज्यादा हीट से बनी है उससे अगर इंसान चलेगा तो ज्यादा नहीं चलेगा, तो स्टीम ज्यादा डेंजरस क्यों होती है बॉइलिंग वाटर से, क्यों इंसान स्टीम से अगर जले और बॉइलिंग वाटर से अगर जले
तो क्यों स्टीम से ज्यादा प्रॉब्लम होती है यार? अगर रोटी वोटी कभी सेका और साइड से जो निकल जाता है, कितनी तेज जलन करता है ना, काफी लंबे समय तक जलता रहता है। समझ में आ रही है मेरी बात? इस चीज को क्लियर करिएगा। नहीं समझ में आ रहा कमेंट डालिएगा, और तरीकों से समझाया जाएगा, लेकिन बहुत इजी वे में आज ही इसको क्लियर किया जा रहा है। इसको समझो, क्या बोला जा रहा है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन स्टीम का ज्यादा होता है कंपैरेटिवली बॉइलिंग वाटर, इसीलिए स्टीम से जलने वाला इंसान ज्यादा प्रॉब्लम में फंसता है। समझ में आई बात? यही इसकी बात होती है। यहां पर आपको बताया था हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और लेटेंट हीट, समझ में आया लेटेंट हीट का क्या मतलब हुआ? फिर से एक बार समझ लो, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड है वो कहलाता है उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और 1 kg लिक्विड को उसके वेपर फॉर्म में बदलने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है वो कहलाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्लियर हुआ आप लोगों को? तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए ना। आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग समाप्त करते हैं। थोड़ा सा बातें, थोड़ी सी बातें बच रखी है, जैसे व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन क्या होता है? इवेपोरेशन और बॉइलिंग में, आखिर इवेपोरेशन में भी पानी भाप में बदलता है ठीक, और बॉइलिंग में भी पानी भाप में बदलता है। तो मैम समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हम बताएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या अंतर है। एक और पॉइंट बताना है कि आखिर इवेपोरेशन ज्यादा करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है, और एक छोटा सा टॉपिक बचेगा कि आखिर टेम्परेचर कैसे, मतलब टेम्परेचर की यूनिट्स कैसे एक दूसरे से एक्सचेंज आउट होती है, एक छोटा सा पार्ट ये भी आपके सिलेबस में है। तो बस नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए इसकी स्टडी करिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए। टिल, थैंक यू सो मच।